नोट करते जाना साथ साथ जल्दी से, ठीक है? हाँ 2 दिन लगा दूंगा मैं रिवाइज कराते कराते। चलो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी के बारे में एक सिंपल सी डिस्कशन कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एक सेकेंड पार्ट ऑफ दी चैप्टर है जो हमने क्लास 11 में किया था, दैट वाज लिमिट, ठीक है? अगर हम किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली अपने को दो स्टेप करने होते हैं, जिसमें स्टेप वन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करना, मतलब बेसिकली लिमिट चेक करना उस पॉइंट पे, ठीक है, कि उस पॉइंट के आसपास क्या आंसर आ रहा है। और दूसरा काम होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना कि उस पॉइंट पे एग्जैक्टली फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, उस पॉइंट के आसपास क्या वैल्यू आ रही है फर्स्ट स्टेप, उस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, अगर इलैबोरेट करूं तो अगर ये तीनों वैल्यूज तो ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब फंक्शन है, क्लास है भाई, ठीक है भाई, ये कौन है सुजन? तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब अपने को राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम मिल गया इस पॉइंट पे तो फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस, वेरी सिंपल, ठीक है। आओ भाई, तो ये सिंपल कंसेप्ट था अपना कंटिन्यूटी का। अब कंटिन्यूटी में क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, लिमिट चेक करना। अब जब क्लास 11 में हमने लिमिट वाला काम किया था तो वहां पे हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वैसे टाइप के सवाल, लिमिट का सवाल तो बीच में आया ही, अगर कंटिन्यूटी चेक किया तो मतलब लिमिट का क्वेश्चन तो आ ही गया, ठीक है। तो पूरे चैप्टर क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बार जल्दी से वो तीनों के तीनों पार्ट याद करते हैं। पहला पार्ट था जहां पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों अपने को निकालने की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो उसमें पहला स्टेप है लिमिट चेक करना, दूसरा स्टेप है उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना। जो पहला स्टेप है लिमिट चेक करना, अब वो लिमिट कब दोनों साइड की लिमिट चेक करोगे, ये पहला काम है। इस टाइप के 4 टाइप के सवाल होते हैं जहां पे हम दोनों साइड का लिमिट चेक कर रहे होते हैं, कौन सा, मॉडुलस, जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ब्रेक डांस, ब्रेक डांस मतलब वो जो तोड़ के फंक्शन लिख देते हैं, fx behaves like this when x is less than equal 0 behaves like this when x is greater than 0, ऐसा टाइप, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड का लिमिट चेक करना है। और लास्ट वाला इनफाइनाइट, हम कंटिन्यूटी में देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन वो बहुत कम देता है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट कब बनता है, जब ऊपर एक फाइनाइट नंबर और नीचे टेंडिंग टू 0 हो, तो आंसर या तो इन्फिनिटी बनेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों साइड का लिमिट चेक करते हैं। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आया था जो कि बहुत बेकार पार्ट था, जहां पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते थे, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अब अगर हम याद करें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब, आपने जो लिमिट का आंसर है उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ही पुट कर देना था, ठीक है। यहां तो कोई फॉर्म नहीं बन रही होती, ठीक है, यहाँ पे लिमिट का आंसर वैल्यू ऑफ फंक्शन के अपने आप इक्वल हो जाता है। अब मैं अगर 12th की लैंग्वेज में बोलूं, ये जो टाइप था क्वेश्चन का यहाँ पे वो वाले फंक्शन आते हैं जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है कि उनकी कंटिन्यूटी बनेगी या नहीं बनेगी। कौन कौन से होते हैं वो, पॉलिनोमियल आ जाते हैं इसमें सारे, रेशनल फंक्शन आ जाते हैं, रेशनल फंक्शन मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में जो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल आ जाते हैं, रेशनल फंक्शन आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। और यहां पे अगर मैं कंटिन्यूटी, अब इस बात पे आ गए हम कि कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं, तो कौन से फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, अपने को याद है मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूस है, सिंपली मॉड एक्स बोल रहा हूं, मॉड ऑफ एफ एक्स नहीं बोल रहा मैं, मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूस है। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बोल दूं, ये भी कंटिन्यूस है हमेशा, अच्छा इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये भी कंटिन्यूस रहेगा हमेशा, ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, लिमिट चेक करके, ठीक, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आंसर डन। और लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो था, दैट वॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, जिसमें अपने को इस टाइम पे जो सिलेबस में ध्यान में रखना है वो है 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी पे वैल्यू पूछेगा नहीं, तो अभी जो अपने को कंटिन्यूटी जो अब हम कर रहे हैं उसमें जो ध्यान रखने वाले फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म में, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 फॉर्म में अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, साइन के अंदर टेंडिंग टू 0 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0 इज 1,
10 के अंदर टेंडिंग टू 0 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0 इज 1, e के ऊपर टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0 इज 1, याद है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1, याद है ये फॉर्म। अच्छा अगर a की पावर x माइनस 1 बाय x सब द लिमिट x अप्रोचिंग 0 इसका आंसर क्या बनता है, ln a डायरेक्टली, ठीक है। अरे वो डिफरेंशिएशन होता है x अप्रोचिंग 0 सर, यहां पे 0 आएगा x अप्रोचिंग 0, एक लॉगरिथम फॉर्म भी होता था इसका x अप्रोचिंग 0 ln ऑफ 1 प्लस x बाय x, याद है ये log के अंदर 1 प्लस टेंडिंग टू 0, log के अंदर 1 प्लस टेंडिंग टू 0 अपॉन द सेम टेंडिंग टू 0 इज 1, ठीक है। एक और यहां पे मतलब लिमिट x अप्रोचिंग 0 log 1 प्लस x बेस a, यहां पे आंसर क्या बन जाता था 1 बाय ln a, ठीक है। एक्सपोनेंट वाले में ln a, लॉगरिथम उसका खुद का ही अपने साथ नहीं बन रही है, लॉगरिथम वाले में 1 बाय ln a। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने डिस्कस की थी अगर याद हो, x अप्रोचिंग a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस, दैट वाज n इनटू a का पावर n माइनस 1, क्लियर। ये तो हो गई लिमिट की बात, जो कि मैंने तीन पार्ट्स में लिमिट को तोड़ दिया, जिसमें दोनों साइड का लिमिट निकाल लें, जिसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट कर दें, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है मतलब वो हमेशा कंटिन्यूस कौन से हैं, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होगा, रेशनल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। अच्छा रेशनल फंक्शन कब कंटिन्यूस नहीं होता, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो, जहां जहां पे डिनोमिनेटर जीरो वहां वहां पे रेशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूस, ठीक है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है अपने आप, क्योंकि इन्फिनिटी बन जाता है वहां पे, ठीक है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये सारे फॉर्म आ गए, साइन जीरो बाय जीरो वन, टेन जीरो बाय जीरो वन, ई की पावर एक्स माइनस वन, ई की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो इज वन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को ऐसे याद रखने, ठीक है, चले आगे। अच्छा इस पे बेस्ड एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन वन, एफ एक्स दे दिया मैंने आपको x अपॉन x माइनस वन इंटू x माइनस टू, डिनोमिनेटर में x माइनस वन इंटू x माइनस टू इज डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट, टू पॉइंट, क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, किस किस पॉइंट पे, वन एंड टू पे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है, जहां जहां पे भैया डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां वहां पे फंक्शन पक्का डिसकंटिन्यूअस है। साथ साथ सोल्यूशन लिखते जाओ, स्पीड बढ़ाओ अपने लिखने की, यहाँ पे x इक्वल्स वन एंड x इक्वल्स टू, देयर आर टू पॉइंट जहां पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सही है। एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, ऑप्शन दे देगा आपको चार, ध्यान किसका रखना, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए, ये तो बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। टेन एक्स वट इज टेन एक्स, साइन बाय कॉस, जब जब कॉस जीरो होगा इसको प्रॉब्लम होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि ये सीबीएसई में आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन सीबीएसई में पहले ही आ चुके हैं, बस उन्हीं को ही हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करके आपको दे दें, जैसे ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है तो उसकी जगह ये लिख दें। अब इधर एक्स और एक्स को ना काटना, ठीक है, कंफ्यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा कंफ्यूजन चलेगा, एक्स और एक्स को नहीं कैंसिल करना यहाँ पे, क्यों कैंसिल किसको करते हैं, नॉन जीरो को, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे किन किन दो पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यू होते, फिर से जीरो एंड टू पे, क्लियर है। टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है, साइन बाय कॉस, मन में सोचेंगे साइन बाय कॉस, जहां पे कॉस का वैल्यू जीरो वहां पे इसको प्रॉब्लम, कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब कॉस कहाँ पे जीरो होता है, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, तो ऑप्शन में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ये भी करेक्ट है, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 ये भी करेक्ट है, अगर कोई n पाई लिख देगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, किसी को डाउट इसमें, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट ऑफ एक्स, जहां पे साइन एक्स जीरो आएगा, ठीक है, कॉस बाय साइन, साइन एक्स कहां कहां पे जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल पे जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू एन पाई, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। कोई ओवरऑल पूछ ले कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये ग्राफ, इनफाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है।
10x भी कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है ये सबको, किसी को डाउट इसमें? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सीबीएसई बहुत सवाल दे चुका है, दो अपने को फंक्शन दे दिया और उनको ऐड कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूअस है हमेशा कि नहीं है? कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन के मिश्रण से या उनकी सब्ट्रैक्शन से जो न्यू फंक्शन बनता है वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एफ अगर कंटिन्यूअस है, जी अगर कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दूं, ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं। दो कंटिन्यूअस फंक्शन को याद रखेंगे, मतलब हल्के में ना इस पॉइंट को, थ्योरी बड़ी कम है अपनी, ठीक है, थ्योरी बहुत कम है। अगर एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो उनको ऐड करके भी कंटिन्यूअस बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके भी कंटिन्यूअस बनेगा, मल्टीप्लीकेशन करके भी कंटिन्यूअस बनेगा, डिवीजन करके हमेशा बनेगा क्या? हमेशा नहीं बनने वाला, डिपेंड करेगा कौन से फंक्शन आपने लिए। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, जैसे आपको एक सवाल यहाँ पे बना देता हूँ, इससे मिलता जुलता सवाल सीबीएसई में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर और जी एक्स दे दिया आपको एक्स बाय टू। ठीक है, तो उसने चार ऑप्शन बना दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर डिसकंटिन्यूअस? फर्स्ट बना दिया एफ प्लस जी, सेकेंड बना दिया एफ माइनस जी, थर्ड बना दिया एफ इंटू जी, एंड फोर्थ बना दिया एफ बाय जी। तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों पॉलिनोमियल है, हमने सुना है पॉलिनोमियल फंक्शन सारे के सारे कंटिन्यूअस होते हैं, तो ऐड करके भी कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट करके भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन करके भी कंटिन्यूअस, बट डिवीजन करके डिसकंटिन्यूअस बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एफ बाय जी जब हमने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूअस, तो हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन मार्क करेंगे, डिसकंटिन्यूअस पूछा उन्होंने। एफ बाय जी क्यों? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाय टू है भाई, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया फिर तो डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा टाइप का वेरिएबल आ गया। अच्छा, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? इसमें हल्का सा वेरिएशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बना रहा हूँ, सवाल यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स दे दिया अपने को एक्स स्क्वायर, सेम जी एक्स दे दिया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। कंटिन्यूअस है ना दोनों, पॉलिनोमियल है, डरना नहीं है इससे, पॉलिनोमियल है दोनों, ऐड करके कंटिन्यूअस, गारंटी है, मतलब स्टैंप लगी हुई है, ऐड करके कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्ट करके कंटिन्यूअस, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके कंटिन्यूअस रहेगा कि नहीं रहेगा? एफ बाय जी, अगर एफ बाय जी कर रहे हो तो एफ प्लस जी कंटिन्यूअस लिख लो, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस, एफ इंटू जी कंटिन्यूअस, एफ बाय जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हर बार डिनोमिनेटर जीरो नहीं आने वाला, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पे डिनोमिनेटर जीरो बना गया, नहीं बना, तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। बट अगर आप जी बाय एक्स करोगे, ठीक है, अब वो पूछेगा डिसकंटिन्यूअस एट हाउ मेनी पॉइंट? वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज डिसकंटिन्यूअस एट x equals to 0। क्या ये बात अपने को समझ में आई? क्लियर? काटते किसमें? जो नॉन जीरो होता है ना, जब कैंसिल करेगा तो क्या बोलेगा कि x को जीरो मतलब। ठीक है, डन, किसी को डाउट यहां तक? ठीक है, अच्छा, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या वो पक्का नॉन डिफरेंशियबल है? अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मतलब टूटा हुआ है उसका ग्राफ, क्या वो हमेशा वो उसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा? अगर एक फंक्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसेंट्रेट करो, अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे टूटा हुआ है, क्या उस पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल होगा? डिफरेंशियबल होगा? अरे इतना लैग क्यों आ रहा है, बफरिंग हो रही है इतनी, हुआ गया? नहीं होगा। याद है आपको मैंने बताया था आपको डिफरेंशियबल कब नहीं होगा, ऐसी तीन कंडीशन होती है। डिफरेंशियबल कब नहीं होगा, तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन किंग का ना तीखा बनता, कैसा? मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स तीखा बना वहां पे, मॉड एक्स में, ठीक है, या मॉड ऑफ एक्स माइनस वन में भी तीखा बना, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू में भी तीखा बना। दूसरा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस, अगर किसी पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है तो उस पॉइंट पे दैट इज नॉन डिफरेंशियबल। और तीसरा
वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का एग्जांपल याद है अपने को, रूट एक्स नहीं, क्यूब रूट एक्स, हाँ, एक्स का पावर 1/3, एक्स का पावर 1/3 याद है सबको, ठीक है। तो थोड़ा सा जम कर रहे हैं, वापस आएंगे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम अरिहंत वाले बुक में से जो आपको पीडीएफ सेंड करी है। एक बार थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी को भी देख लेते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी में क्या कंसेप्ट था। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने दो बातें करी थी, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैंने यहाँ पे दो बात की थी आपसे, एक ग्राफिकल बात की थी जो अभी अभी हमने कंप्लीट कर ली, मैं लिख भी देता हूँ इसको, और एक बात करी थी हमने न्यूमेरिकल, ठीक है। ग्राफिकल बात में हमने क्या किया था, ग्राफिकल बात में हमने क्या किया था, सब नॉन डिफरेंशियबल होगा, ठीक है। अब यह नॉन डिफरेंशियबल होगा, जिसमें से मैंने तीन पॉइंट यहाँ पे फर्दर डिस्कस किए थे, एक नॉन डिसकंटिन्यूअस वाला, जब डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशियबल हो गया, ठीक है, एक किंक वाला, और तीसरा जो था वर्टिकल टेंजेंट वाला, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा सारा। डायरेक्ट इसका जो एग्जांपल है, एक्स का पावर 1/3 है, ये मतलब किस टाइप का क्वेश्चन वो यूज करेंगे, एक्स का पावर 1/3 वाला, ठीक है। तो किंक अपना याद है अपने को, एक सिंपल सा एग्जांपल, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2 कर लो जैसे, एट x इक्वल्स टू 2 नॉन डिफरेंशियबल, क्लियर है, एट x इक्वल्स टू 0 नॉन डिफरेंशियबल, क्लियर। डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूटी के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जिंट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस कहां कहां होता है, सभी इंटीजर्स पे, ग्राफ उठता होता है ना वो जाते जाते, याद रहेगा, उस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, fx equals to greatest integer x is discontinuous at first option all real numbers, second option positive real numbers, third option integers, fourth option natural numbers, ठीक है, ऐसा करके। तो appropriate सबसे ज्यादा कौन से, integers, ठीक है, क्लियर है, ये तीनों पॉइंट्स अपने दिमाग में है, लिख लिया आपने, नोट कर लिया साथ साथ। न्यूमेरिकल बात हमने क्या करी थी कि अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, अगर एक फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, इफ fx is differentiable at x equals to a, अगर a पे वो differentiable है, then left hand derivative equals to right hand derivative equals to finite, उसका जो left hand derivative है, right hand derivative, ये दोनों equal होने चाहिए और उसका answer जो है further finite आना चाहिए। Now what is right hand derivative, what is left hand derivative? अगर a की बात कर रहे हैं, the left hand derivative is limit h approaching 0 from the positive side, f of a minus h minus f of a upon a minus h minus a which is minus h, याद है ये, कुछ बच्चे भूल गए होंगे अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, अब याद हो जाना चाहिए। और राइट हैंड लिमिट f of a plus h minus f of a by h, क्लियर है ये, ये दोनों बेसिकली करना क्या है, जब भी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि अब हम काफी काम कर चुके हैं ना, आगे आगे काफी, जब भी हम डिफरेंशियबिलिटी किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ ये दोनों फ्रेम बना लेने, अगर किसी पॉइंट पे आपसे बोला जाए तो, ठीक है, हर एक के लिए नहीं इसको यूज करेंगे ये क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा किसके लिए यूज करेंगे, जिसमें हमको ये वाली चीज हम नहीं जज कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज हम नहीं जज कर पा रहे हैं, हमारी प्रेफरेंस ये होती है, क्वेश्चन देखते ही हम सोचते हैं कि यार चेक कर लें, उसमें नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट पूछे कहाँ कहाँ पे है या कितने हैं, तो क्या मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं, अगर नहीं कर पा रहा तो इससे जाएंगे। कई ऐसे फंक्शन है जिसमें मैं इससे नहीं रिलेट कर पाता, तो ऐसे अजीब अजीब फंक्शन आते हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लें, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे थ्योरी के साथ कैसे रिलेट होने क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करेंगे इनसे हो जाए, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 आ गया, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं यार, मेरे को इससे पता लग गया कि किंक आएगा किस पे, -4 पे, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 है अगर, तो किंक आएगा किस पे, -4 पे, ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियबल है, एक्स इक्वल्स टू -4, मैं क्यों करूँ यार, ऐसी एक क्वेश्चन आ गया, ये फंक्शन बना दिया, कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियबल होगा, दो पॉइंट्स पे, कौन कौन पे, -4 एंड 0 पर, मैं क्यों करूं यार, ये इतना बड़ा, इतना छत्ता ले लेके घूमना पड़ेगा, आधा पेज भर जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको किसी को याद हो तो, fx equals to x square sin of 1/x when x not equals to 0 and 0 when x equals 0, ये थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन हो गया कि नहीं, ठीक है। अब इसको, इसका ग्राफ मेरे को भी नहीं बता दिया, ठीक है, अब ये इतना बड़ा डायनासोर आ गया तो इसको इससे करेंगे, ठीक है, और टाइम ही लगेगा अपने को, ध्यान रखेंगे ए क्या है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो 0 पे चेक करवाएगा तो ए का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है कि नहीं, एच में क्वेश्चन आ जाएगा। अब जैसे ही आपने इसको इस फ्रेम में डाल दिया, क्वेश्चन को इस फ्रेम में डाल दिया, अब ये लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट अपने को 11th में भी आता था, कंटिन्यूटी में भी लिमिट आता था, तो इसके बाद अगर दिक्कत हुई तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
ठीक है, यहां तक अगर आ गया समझ में, यहां तक अगर लिख लिया किसी ने, फिर तो लिमिट का सवाल है, फिर तो इजिली करके बाहर निकल लोगे। बट ये कि दोनों साइड का आंसर सेम होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अच्छा, इसको ना एक और फॉर्म में भी कई बार देखा जाता है, और अब बताएंगे किस किस को समझ में आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये अगर किसी को समझ में आया तो कॉमन लिमिट है। बिल्कुल ठीक है सुजर, बिल्कुल सही। हाँ मैंने क्या किया है, x अप्रोचिंग a का मतलब क्या होता है, a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, a फ्रॉम द नेगेटिव साइड। अगर आप a फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ले रहे हो, दैट मींस x इक्वल्स टू a प्लस h, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस h, बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव। x अप्रोचिंग a फ्रॉम द नेगेटिव साइड, दैट मींस a माइनस h, तो x की जगह a माइनस h लगाओ, बन गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, फाइनाइटली आंसर शुड बी फाइनाइट। क्लियर है? तो ऑप्शन में भी डायरेक्टली ये बन सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब सेम बात है, किसी भी फॉर्म में आ जाए सेम क्वेश्चन। क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा, सीबीएसई को ए की जगह सी ज्यादा पसंद है, तो किसी पॉइंट को लेते हैं, मतलब पिछले जो क्वेश्चन आए हैं पूरा जो पैटर्न देखा वहां पे, उसमें वो एक्स इक्वल टू ए की बात कम करके एक्स इक्वल टू सी की बात ज्यादा करता है, तो वहां पे घबरा नहीं जाना कि ए की जगह सी लग गया तो कुछ अलग ही आ गया, ठीक है। वहां पे ऐसा भी दिया जाता है, एक्स अपोजिंग सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। चले आगे, तो ये डिफरेंशियबिलिटी इन दोनों पार्ट में डिवाइडेड है। अगर एक फंक्शन ए पे डिफरेंशियबल है, फंक्शन ए पे डिफरेंशियबल है, क्या वो पक्का कंटिन्यूअस है? अगर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है तो पक्का, केस में, हर एक केस में, ठीक है। और अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या वो पक्का डिफरेंशियबल है? एग्जांपल दो जल्दी से। मे और मे नॉट भी आ जाता है वहां पे, मॉडेक्स का एग्जांपल आ जाएगा वहां पे। इस पर्टिकुलर लाइन पे एक सवाल बन सकता है जिसमें चार ऑप्शन आपको दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस एट सम पर्टिकुलर पॉइंट बट नॉट डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट। जिनटेक्स दे दिया, जिनटेक्स इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस भी है और नॉन डिफरेंशियबल भी, ठीक है, क्लियर। और एक मॉडुलस में क्वेश्चन दे दिया उसने, या ये वाला सवाल बना के दे दिया, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है पूरा, ठीक है, बट नॉन डिफरेंशियबल है दो पॉइंट पे। अच्छा, इसके साथ अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लिख दूं तो तीन पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल बट कंटिन्यूअस हमेशा है क्या? ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा क्या? कंटिन्यूअस रहेगा, ये भी कंटिन्यूअस। जब तीन कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड कर दिए तो कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं, कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स कंटिन्यूअस, तो इसको कंपोजिशन, वैसे कंपोजिशन डिलीट कर दिया, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एफ ऑफ जी एक्स कंटिन्यूअस होगा एंड जी ऑफ एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें बेस क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनेगा। एफ एक्स आपको दे दिया साइन एक्स और जी एक्स दे दिया आपको मॉड एक्स, ठीक है। तो यहां पे वो क्वेश्चन पूछ लेगा मॉड ऑफ साइन एक्स जो है, क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस है? देखते ही बता देंगे हमेशा कंटिन्यूअस। चार ऑप्शन दे देगा, इस कंटिन्यूअस फॉर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर, या कुछ भी चौथा ऑप्शन बना लिया, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे साइन ऑफ मॉड एक्स कंटिन्यूस। बात समझ में आई क्या? किसी को प्रॉब्लम इसमें? अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग पे चल रहे हैं हम। अरिहंत वाली बुक जो है वो ओपन कर लो अपने अपने फोन में। अब एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो लिखूंगा तो काफी लंबी हो जाएगा, तो इसमें से ही हम कर लेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर वन, मैं कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा, तो जो भी टाइप्स हैं अपनी सारी की सारी कवर हो जानी चाहिए। पेज नंबर है 83, पेज 83 ओपन कर लेंगे।
आराम से करेंगे, अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 83 भाई, नहीं नहीं बुक का 83, पीडीएफ का 96 पेज है। आप पीडीएफ का 96 पेज है और बुक का 83 नंबर पेज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन उठाओ, क्वेश्चन नंबर वन अपनी अपनी स्पीड पे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर वन ले लो बुक, किसी को चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर वन अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व करो। आंसर आपके पास है वैसे, चेक बाद में कर लेना, पहले एक बार सॉल्व करो, जिसका हो जाए मेरे को बता दे। जिसका फर्स्ट हो जाएगा वो सेकंड करेगा। हो गया फर्स्ट, काफी बच्चों में हो गया फर्स्ट। जिसको भी जा रहा है वो फर्स्ट फेल की क्वेश्चन मैंने लिख दिया, वो कर लेगा। बहुत टाइम लग गया, हो गया फर्स्ट, खुशी। अच्छा क्वेश्चन में ना ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना कई बार कोई चीज छुप जाती है। इस क्वेश्चन को जब पूरा रीड कर रहे हो ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है, छोटा सा साइड पे लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। वहां पे कई बार बच्चे को घबराहट में नहीं मिलता किस पॉइंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो किस पॉइंट की बात कर रहा है, माइनस टू की। माइनस टू पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है, ठीक है। माइनस टू पे वैल्यू क्या है, माइनस फाइव। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए और क्या चाहिए अपने को, लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचिंग माइनस टू कहां से आएगी, ये ऊपर वाले से, क्योंकि उसने कहा अगर माइनस टू नहीं है इनपुट तो इसको यूज करो, ठीक है। अब ये तो सिंपल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म है। अब यहां पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। लिमिट x अप्रोचिंग माइनस टू, दिस विल बी x प्लस टू इंटू x माइनस थ्री अपॉन x प्लस टू। यहाँ पे x plus 2 will cancel out, आपको जो आंसर मिल जाएगा द आंसर विल बी माइनस फाइव। तो जो लिमिट का आंसर है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एक और अप्रोच से भी प्रोसीड कर सकते थे, यहाँ पे LHR लगा लेते। LHR मतलब एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं तो 15 कम पड़ेगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर भी डिफरेंशिएट कर लो, नीचे भी अलग से डिफरेंशिएट कर लो। क्वेश्चन रूल नहीं मैं बता रहा, मैं बता रहा हूँ ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1, नीचे का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू जिसको लिमिट की तरफ को जा रहा है वो पुट कर दो, x का वैल्यू माइनस 2 पुट किया, क्या आ गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 5। ये भी अप्रोच से जा सकते हो, ठीक है। ऊपर अलग डिफरेंशिएशन, नीचे अलग डिफरेंशिएशन, हाँ नहीं मतलब इसको यार ये भी आता होगा, उसको ये भी आता होगा, बट वो थोड़ा सा ये कहेगा सर मेरे को आलस आ रहा है तो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है अगली बार, चले आगे। रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है, जैसे मान ले ऊपर मॉड एक्स आ गया, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएगी, उसको ओपन करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये रिस्ट्रिक्शन है, नॉन डिफरेंशियबल पे नहीं अप्लाई होता। और कहां पे अप्लाई नहीं होता, जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा तभी अप्लाई होगा। अब मान लें ये जीरो बाय जीरो फॉर्म ना बनता, ये टू बाय फोर बनता, फिर तो क्यों इसको डिफरेंशिएट करती, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया ना सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें वन बाय टू आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। तो लिमिटेशन ये है, जीरो बाय जीरो पे लगा सकते हो, डिफरेंशियबल फंक्शन पे लगा सकते हो। बता दूं फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट, इट इज कंटिन्यूअस, जिसका फर्स्ट हो गया सेकंड करेगा, बाकी जो स्टेज करेगा वो भी कर ले, बाकी जो रहेगा ना स्टेज वो भी कर ले, थ्री एंड सेवन रहेगा वो भी कर ले। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का दिखने ही वाला है। सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने वाला, बिल्कुल सही आंसर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने ही वाला है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जिसमें एफ एक्स दे रखा है, उसने एक्स साइन ऑफ वन बाय एक्स
when x is not equals to 0 and 0 when x equals to 0. इसमें मैं दो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको. अब यहां पे वो जीरो पे कंटिन्यूटी भी चेक करवा सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करवा सकते हो, दोनों क्वेश्चन अभी करने वाले हैं. कंटिन्यूटी हो गई चेक, जीरो पे आंसर जीरो है, वैल्यू फंक्शन आ गया, ठीक है. अब निकालना क्या लिमिट, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम यहां पे हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 0 x sin of 1 by x. खुशी कैसे सॉल्व करेंगे इसको है बेटा, साइन के अंदर 0 नहीं बन रहा है, यहां पे साइन के अंदर क्या बन रहा है, इंफिनिटी, और बाहर कौन है 0, बट साइन की एक औकात है कि माइनस 1 एंड 1 के बीच में ही होगा, इट्स एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन माइनस 1 एंड 1, और साथ में कौन है टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो इनटू अ फाइनाइट नंबर, आंसर क्या आएगा, तो लिमिट का आंसर जीरो बन गया. याद रखेंगे यहां पे लिमिट का आंसर जीरो, वैल्यू फंक्शन इज जीरो, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. क्लियर है? अच्छा, जीरो पे तो ये कंटिन्यूअस हो गया, अगर किसी और पॉइंट में पूछा जाए इसको तो क्या हमेशा कंटिन्यूअस होगा, जीरो पे तो हो गया ना कंटिन्यूअस, किसी और पॉइंट पे अगर पूछा जाए सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि सिर्फ जीरो पे इसको ब्रेकडाउन करवाया था, बाकी सब पॉइंट्स पे इट इज बिहेविंग लाइक दिस. और अगर इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखते ही आपको क्या नेगेटिविटी आती है, ये प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जीरो पे आने की प्रॉब्लम अगर आनी थी तो, बाकी किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी इसको, नहीं आएगी. एक्स है, बहुत बढ़िया बंदा है, 1/x, ये दिक्कत कहां पे कर रहा था, जीरो पे. तो अगर वो पूछे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वो सही होगा क्या, क्योंकि प्रॉब्लम किस पे आ रही थी, सिर्फ जीरो पे, और जीरो पे चेक कर लिया हमने, ठीक है, किसी को डाउट इसमें. अब इसी क्वेश्चन में जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, इसी सेकंड क्वेश्चन में जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, आराम जो आंसर आ रहा है अपने पास रखो, अभी चेक करो, पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो इसकी जीरो पे, सेकंड क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे चेक करो. जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं. ऑनलाइन मिला पीडीएफ, एक और मिला और पीडीएफ, तो सेंड ही नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा पीडीएफ दूसरा, पता नहीं बता दो साइज को, नहीं साइज कहाँ पता लगेगा सर, आठ एमबी का फाइव, अच्छा ये कैसे तेल आ गया, ये तो जाए नहीं था दूसरा है, उसमें 567 पेजेस हैं, मास्टर मैनुअल बुक का नहीं मिला मेरे को, किसी को मिले तो मेरे को व्हाट्सएप करना, हाँ ग्रुप में मैं ही बोलता हूँ. हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी इसकी, डिफरेंशिएबल है, एक बार मैं लिख दूँ एलएचडी एंड आरएचडी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोई ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी हमने, किस पे चेक कर रहे हैं हम, जीरो पे, जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच, सही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सबका ये बना के नहीं बना, खुशी बना ये, खुशी कशिश बना ये, मेरा बना, और राइट हैंड एफ ऑफ एच बाय एच बना, मेरे को ड्रामा वाइज तो करनी नहीं है, अपने कौन सा दिखाना पूरा सोल्यूशन, ठीक है. अब यहाँ पे f ऑफ माइनस एच मैं किसके पास जाऊं, जीरो के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, माइनस एच साइन ऑफ माइनस वन बाय एच, सही है, और नीचे है माइनस एच, और इधर h साइन ऑफ वन बाय एच बाय एच, ठीक है, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो फ्रॉम दी पॉजिटिव साइड. हाँ जी,
एच एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच उड़ गया, इधर क्या बचा माइनस साइन ऑफ वन बाय एच, और उधर क्या बचा साइन ऑफ वन बाय एच, दोनों सेम आंसर दे रहे हैं क्या, क्या आंसर दे रहे बेटा, अरे आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑसिलेटिंग नंबर है आप हैं माइनस वन से, इसको पकड़ ही नहीं पाओगे यार, माइनस वन से वन ऑसिलेट कर रहा है वो है ये क्विडिच वाली जो छोटी सी बॉल, हाँ गोल्डन स्निच वो है भाई, कुछ ही पकड़ पाएगा ठीक है, साइन ऑफ वन बाय इसका पता ही नहीं अपने को वैल्यू क्या है, अपने साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट को सीकेंट इनकी लिमिट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्लास इलेवन की कॉपी निकाल लो लिखवाया हुआ मैंने, इन्फिनिटी पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये दोनों आंसर अपने को पता ही नहीं इक्वल है कि नहीं इक्वल है, जब हम कंक्रीटली बोलते हैं कि इक्वल है तब भी डिफरेंशियबल बोलेंगे ना, तो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिख लो इसको, क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ आपको ये वाला, डिफरेंशियबल कब बोल रहा था यहाँ पे, उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, एक एच नीचे वाले एच के साथ कैंसिल हो गया था, अब करो इसको नॉन डिफरेंशियबल लिख के एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो जहां पे इधर एक्स स्क्वायर लगा दो, उस क्वेश्चन की दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालो, निकालो अभी के अभी, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाय एक्स, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ वन बाय एक्स, और इधर जीरो रखो, चेंज कर दो हल्का सा क्वेश्चन को, ये तो लिख के नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसके बाद इस क्वेश्चन को चेंज करो इधर एक्स स्क्वायर कर दो, फिर सॉल्व करो दोनों साइड का डेरिवेटिव, जाके देख रिकॉर्ड में, ये एक्स स्क्वायर कर दिया, अब यहां पे चेंज किया एक्स स्क्वायर, अब देख रहे हो इसी क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लगा रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब अगर एक्स स्क्वायर लगा के कंटिन्यूटी चेक करोगे कंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूटी चेक करोगे कंटिन्यूअस आएगा, डिफरेंशियबिलिटी मैंने बोला आपको चेक करने के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस वन बाय एच अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे एच स्क्वायर साइन ऑफ वन बाय एच अपॉन एच, ये लिख लिया सबने दोनों साइड का डेरिवेटिव ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एच और यहाँ पे माइनस एच है, यहाँ पे दिस विल बी एच स्क्वायर ऑब्वियसली ठीक है, माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, सो वी आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है क्लियर, अब यहां पे देखो साइन ऑफ वन बाय साइन ऑफ वन बाय तो है साथ में हैरी पॉटर भी है ठीक है, वो बचा लेगा इसको, इसको इधर भी जीरो कर देगा इधर भी जीरो कर देगा, एक्स बचाएगा इसको ठीक है, अच्छा यहां पे एक मिनट देखो ये तो समझ में आ गया ना, डिफरेंशियबल बन जाए, किसी को डाउट यहां पे, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता तब भी बचा लेता उसको, क्योंकि नीचे एक एच कैंसिल होके इधर एच स्क्वायर बता देता, बता देता बाहर ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स का पावर फोर होता तब भी बच जाता ये, अगर यहाँ पे एक्स का पावर वन था स्टार्टिंग में तो ये नहीं बच पाया, क्यों नहीं बच पाया, क्योंकि एच कैंसिल हो गया, हाँ नहीं बच पाएगा ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स का पावर 1.5 कर दे बच जाएगा, अगर यहाँ पे एक्स का पावर 1.1 कर दे तब भी बच जाएगा, अब वो सवाल ये पूछेगा आपसे कि मैंने भैया एक्स का पावर एम कर दिया यहाँ पे और ये डिफरेंशियबल कब होगा, हाँ जब m ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 पे तो खराब हो गया था ना काम, बात समझ में आई ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंशियबिलिटी में करवाया मैंने ठीक है, कंटिन्यूटी में जब x का पावर 1 था तब भी वो कंटिन्यूस हो गया था, चलो क्वेश्चन 2 हो गया अपना, इससे सारे वेरिएशन हो गए अपने, कौन सा
कैसे हैं आप? नहीं नहीं साथ में एक्स लगा हुआ ना, ग्राफ बना के देख लेना उसको। नेक्स्ट चल रहे हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। एफ एक्स दिया हुआ है 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। देखो वो कह रहे हैं 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है, इसको पढ़ना आना चाहिए। 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है, 0 के अलावा हर जगह 1 है, 0 के अलावा हर जगह 1 है। वो कह रहे हैं इज नॉट कंटिन्यूअस या इज डिसकंटिन्यूअस एट, देखो चेक करो ठीक है खुशी, किस पे नॉन डिफरेंशियबल है, सॉरी किस पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे। कैसे? ठीक है, और 0 पे, 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है बट लिमिट का आंसर 1 है। ठीक है, लिमिट का आंसर 1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशियबल भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, देखो अब फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन उसने ब्रेक डाउन करवाया दो फंक्शन में, एक फंक्शन है 2x plus 3 और एक फंक्शन है 2x minus 3। अपने आप में 2x plus 3 पॉलीनोमियल है, अपनी तरफ से वो कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा, और दूसरा है 2x minus 3, वो भी अपनी तरफ से कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम आ सकती है जहां पे ये बदला, कहां पे बदला, 2 पे, x less than equal to 2, x greater than 2। ये इंडिविजुअली करेक्ट है, ये इंडिविजुअली करेक्ट है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब उसने ये फंक्शन बदला, कहां पे? 2 पे बदला। 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे पुट करो 2, क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 2 का राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? 1 आएगा। भाई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वैसे डिसकंटिन्यूस हो गया। अच्छा यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशियबल भी हो गया। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन पूछ लेते कि दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल एट हाउ मेनी पॉइंट, क्योंकि ये कहेगा भाई मैं तो हमेशा डिफरेंशियबल हूँ, मैं तो पॉलिनोमियल हूँ। ये कहेगा भाई मैं भी हमेशा डिफरेंशियबल हूँ, मैं पॉलिनोमियल हूँ। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पे करेंगे? 2 पे, 2 पे तो पहले डिसकंटिन्यूअस था, ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियबल हो गया एट ओनली 1 पॉइंट। किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते ही करेंगे बिना पेन उठाए। सिक्स्थ क्वेश्चन, अरे रुको बाकियों को करना भाई, बाकी बच्चे जिनका हो गया वो 9, 12 and 13 करेंगे। 15, 16, 19 करेंगे। निराया है 3 पॉइंट्स, खुशी 3 आ रहा है, कशिश, कशिश कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं 3 है? 2, 1 एंड ये कैसे आया? है क्या करेंगे? वन पॉइंट क्यों? अरे तुम, मैंने पेन नहीं कहा उठाने को, तुम ऐसे ना करो ना, तुम लिख के देख लो। वो एकदम वो कहती नहीं, मैंने पेन नहीं उठाना, लिख के देख लो। इसमें प्रॉब्लम क्या भाई, इसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? डिनोमिनेटर है ना दिक्कत, बाकी तो सब सेफ है, रेशनल फंक्शन है ये। ऊपर क्या बन गया? 4 - x² और नीचे एक्स कॉमन 4 - x². खुशी कैंसिल कर देंगे। एक तो ठीक है, ये भी करना है यार, नहीं कर सकते तो क्या करें? यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेव करें, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और ये x square का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, तो वी हैव 3 पॉइंट। उस टाइम भी ऐसी होएगा, पहले सोचेगी फिर वेस्ट करके दूसरा मार्क कर देगी।
वहां पे नंबरिंग सही लगा देना, बीच में कोई मिसिंग ना कर देना, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी 3 पॉइंट हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी, रेशनल फंक्शन तो भाई बहुत बढ़िया रहते हैं, पॉलिनोमियल की तरह ही होते हैं, बस उनमें दिक्कत ही होती है कि उनका डिनोमिनेटर जीरो होने की करता है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में चलेंगे। 9th क्वेश्चन डी डायरेक्टली आ गया, 9th क्वेश्चन का डी आंसर, ये तो हमने अभी भी डिस्कस भी किया था ऐसा क्वेश्चन, किसी को डाउट 9th क्वेश्चन में? ओके, 12th क्वेश्चन, सी आ जाएगा भाई, साइन भी कंटिन्यूअस, मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस, दोनों का मिश्रण कंटिन्यूअस, आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा 11th क्वेश्चन भी देखो, देखते ही हो गया क्या 11th क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन देखते ही हो गया क्या? कशिश क्या आंसर आ रहा है? तू कशिश है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी सही है, क्योंकि एक्स भी कंटिन्यूअस, मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस, एड इज भी कंटिन्यूअस, ठीक है। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन ये आपको ना जाल में फंसाएंगे, आपने फंसना नहीं है, कंटिन्यूस है भाई, साइन भी कंटिन्यूस, कॉस भी कंटिन्यूस, उसके उससे मॉड लगा देंगे वो भी कंटिन्यूस है, तो पाई देखो या पाई बाय टू देखो या थ्री पाई बाय टू देखो, कहीं भी देखो पाई बाय थ्री पे बोल देंगे, अब आधी जनता कहेगी पाई बाय थ्री पे लिमिट चेक करेगी सबसे पहले दोनों साइड का, फिर वैल्यू फंक्शन देखेंगे, समझ गए, 10 मॉड लगा दें कोई दिक्कत नहीं। फिफ्टींथ क्वेश्चन करो उसके बाद, फिफ्टींथ क्वेश्चन करो इसके बाद, 15th एंड 16th मैंने लिखे हुए हैं, जिसके 19 तक हो गए उसके बाद के लिए भी मैं मार्क करवा देता हूँ। कल मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन करवाऊं या कल एओडी करवा दूं? कल एमओडी करना है कि एओडी करना है? एमओडी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, खुशी खुशी है सर ये चैप्टर है। एमओडी में वो लॉगरिदम इम्प्लिसिट है, एप्लीकेशन कराना है कल कि एमओडी करो? कोई भी करा ना, इस हफ्ते में कर देना, दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे। एमओडी एओडी, चलो कल एमओडी खत्म कर लेंगे, फिर परसों एओडी कर लेंगे। फिफ्टीन क्वेश्चन हुआ क्या? 15th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ऐसे सवाल भी आएंगे 15th क्वेश्चन की तरह, वो बोल देगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और लिमिट का आंसर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होगा, तो डायरेक्टली वी कैन राइट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, सही है। अब माइनस वन पे वैल्यू क्या है? के, यही तो हमने निकालना है, और माइनस वन पे लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, ठीक है। क्या करें, ऊपर डिफरेंशिएट करें क्या आएगा? टू एक्स माइनस टू नीचे डिफरेंशिएट करके आएगा वन आएगा, तो इसमें एक्स का वैल्यू माइनस वन पुट करें, टू इंटू माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू के, तो के का वैल्यू माइनस फोर आ गया क्या? नहीं तो फैक्टर भी बना सकते थे, ये जरा जल्दी हो गया, ठीक, क्लियर, किसी को डाउट? चलने आगे। अच्छा बेटा यहां पे अगर वो के की जगह के प्लस टू लिख दे तो क्या करेंगे? यहां पे अगर के की जगह के प्लस टू लिख देते तो यहां पे के प्लस टू आ जाता, यहां पे के प्लस टू आ जाता, तो आंसर क्या आता? माइनस सिक्स, समझ गए? तो वहां पे थोड़ी सी वो हल्की फुल्की शरारत इतनी छोटी मोटी करते रहते हैं, के लिख देते हैं, के की जगह के बाय टू लिख देंगे, के प्लस वन लिख देंगे, के माइनस वन लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16th क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लो, इस क्वेश्चन में भी उसने सेम ही बात करी है कि कंटिन्यूस है वो,
इसका 16 का आंसर बी डी की डी बी नहीं हाँ 16 में क्या बोल रहा है कि जीरो पे कंटिन्यूअस तो जीरो पे जो लिमिट का आंसर है माइनस साइड से जो लिमिट आ रहा है वही प्लस साइड से लिमिट आएगा देखो ध्यान से क्वेश्चन रीड करो फिर से कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में 16th क्वेश्चन जीरो फ्रॉम द नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा कि नहीं कंटिन्यूअस है ना यार ठीक है अब ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है वैल्यू पुट करो पॉलिनोमियल आंसर विल बी माइनस टू अब ये भाई भूतनाथ है इसको कैसे सॉल्व करें इधर ना डिफरेंशिएट करने पड़ेगा ठीक है रेशनलाइजेशन कर लो यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे तो दिस प्लस दिस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा 1 प्लस के एक्स माइनस 1 प्लस के एक्स और नीचे एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस के अब आप सारी दिक्कतों से बाहर आ चुके हो क्योंकि 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया और ऊपर kx और kx का बन गया 2kx और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था x वो कैंसिल आउट हो गया ठीक है अब सारी दिक्कतों से बाहर हो अब x का वैल्यू 0 पुट करो ऊपर बना 2k नीचे बना और इधर है माइनस तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस क्लियर है किसी को डाउट इसमें ओके 16 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में किसी को डाउट यार किसी को प्रॉब्लम किसी को अजीब लगा सवाल हाँ भाई ऐसे ही आएंगे यार सीबीएसई कुछ पुराने सवाल वो तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव में कर दिया ठीक है चलो नेक्स्ट करो 19 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे जाएंगे जल्दी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे 19 क्वेश्चन ये लिखे हुआ मैंने देखो आपने ना घर पे वैसे तो मैक्सिमम बच्चे घर पे ही हैं तो आपने 34 तक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने 34 तक ये तो क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं जितनी देर तक मेरे अंदर अभी हिम्मत रही मैं करवाता रहूंगा तो आपको 34 क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन तक एंड कर लेना सारा काम ठीक है कल कोई डाउट होएगा तो पूछ लेना पहले 6 बजे डाउट पूछ लेना उसके बाद एमओडी कर लेंगे 19 क्वेश्चन हाँ जी सब आप 99 पे आ गए ना सारे अरे हैं कितना पीछे गिर गया और 99 में पे 2000 समथिंग रैंक बना है हाँ मेरा जो है बचुआ अंशुमन कशिश का नहीं बना है कशिश का मेरा पीछे रैंक आया है उसको केमिस्ट्री से खराब हो गया मैथ्स में तो उसका अच्छा है वो तो कंसिस्टेंटली 99 स्कोर किया हाँ सिंपल उसने ज्यादा मतलब बहुत तगड़ा काम नहीं करा उसने हुआ है किसी का किस पे चेक कर रहे हैं जीरो पे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है k प्लस टू तो वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू दी लिमिट लिमिट x अप्रोचिंग जीरो साइन ऑफ 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x ठीक है अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये तो लिमिट का सवाल है 0/0 फॉर्म है तो साइन के अंदर जो जीरो है इसके नीचे सेम जीरो चाहिए तो सुने मैं इसको नीचे वाले को ऐसे कर लेता हूँ किसी को डाउट इसमें अब नीचे दिए मुझे 5 साइन के अंदर 0 अपॉन द सेम जीरो ये उड़ जाएगा 1 बन गया ये बाकी जो बचा उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर लो 5/2 k प्लस 1/2 तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 सही है अब कई बच्चे यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर सकते थे साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन 5 cos ऑफ 5x ठीक है जी और x स्क्वायर प्लस 2x का 2x प्लस 2 अब वैल्यू पुट कर दो x का वैल्यू 0 ऊपर 5 और नीचे 2 खत्म ठीक है
LHR लगा दो, अब तो कोई शर्म है नहीं, बेशरम होगा हम LHR लगाइए नहीं, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर वो तभी करा सकते हैं, कितनी मेहनत करी हमने कंटिन्यूटी में, ठीक है, वो मेहनत करिए तभी स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन में करना क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन जैसे सवाल जो है अपने को आने वाले 20 और 22, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी में, 20 और 22। अभी सबसे पहले 20 और 22 करो क्योंकि फोन की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 7% रह गई है। 20 और 22 जो सर्कल कर रहा हूं पहले वो कर लेना। क्वेश्चन 1 to 34 ये होमवर्क में है, आज आपको करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 79, 80, 81, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, 79, 80, 81 केस स्टडीज हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हैं, एमसीक्यूज हैं, और ये केस स्टडीज वाले क्वेश्चन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। क्लास हाँ पेपर 1.5 घंटे 40 क्वेश्चन करने। हुआ 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने कहा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो आपको डायरेक्टली, कंटिन्यूस है तो आपको डायरेक्टली ऊपर वाले में 2 पुट कर देना, नीचे वाले में 2 पुट कर देना, काम खत्म। ऊपर वाले में 2 पुट कर दिए, क्या आ गया 2a+3, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और राइट हैंड लिमिट 2a² - 1 खत्म। यहां से a का वैल्यू निकाल लोगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, p ऑप्शन आएगा आंसर इसका। 22nd क्वेश्चन 22वां सवाल, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। कंटिन्यूस दिया हुआ है, नहीं ये पार्ट कंटिन्यूस है, तो सिंपली हमने क्या करना है, दोनों साइड पे 3 पुट कर देना है। ऊपर वाले पे 3 पुट किया, क्या आया 3a+1, नीचे वाले में 3 पुट किया 3b+3, सही है। तो a 3a = 3b+2, तो a = b+2/3 खत्म। किसी को डाउट इसमें, ठीक है हो गया, किसी को डाउट, चले आगे। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाने लगा हूं, यहां पे एक बार देखेंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके के भी आ सकते हैं अपने को, fx दे दिया ax+1 और x < 2 एंड 2bx+3 फॉर x > 2 इज डिफरेंशिएबल एट x = 2 और इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फाइंड a एंड b। अब वो क्वेश्चन में ना आपको दे देगा कि ये फंक्शन इस तरीके से a b के फॉर्म में, और कहेगा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशियबल कहां पे वो दे देगा, या तो 2 में दे देगा, या वो कह देगा हमेशा डिफरेंशियबल है, एक ही बात है या नहीं है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम कहां पे आनी थी, 2 पे ही तो आनी थी। हाँ कहता ए एंड बी ना फाइंड करो, सर यहां पे रिलेशन बिटवीन ए एंड बी,
डिफरेंशिएबल बोल दिया। अरे क्रैक यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, दोनों चीजें चेक होंगी। अब उसने कहा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो क्या बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस भी हो गया? तो यहाँ पे दो रिलेशन बनेंगे अपने ए और बी में, एक कंटिन्यूटी के लिए और एक डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ये आते हैं बोर्ड में सवाल, ठीक है? वो खाली आपको क्या बोल देगा? डिफरेंशिएबल। और बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा इसके साथ? बोलेगा नहीं, वो साइलेंट होएगा, वो क्या कि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो गया ना, बात समझ रहे हो? तो दो रिलेशन आएंगे अपने ए और बी में, दो रिलेशन आ गए तो ए और बी की वैल्यू आ गई। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? कंटिन्यूटी के लिए टू गुड किया, टू ए प्लस वन इक्वल्स टू फोर बी प्लस थ्री, सही है? तो मतलब ये क्या बन गया, टू ए इक्वल्स टू फोर बी प्लस टू, मतलब ए इक्वल्स टू टू बी प्लस वन, ये बना डिफरेंशियबिलिटी की, डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अच्छा यहाँ पे ना थ्री बी कर दो यार, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। फिर से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है टू ए एक्सपर कर लो। यहाँ पे कंटिन्यूटी में क्या बन जाएगा, टू ए इक्वल्स टू टू ए प्लस वन इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे एक्स का वैल्यू टू, तो क्या बन जाएगा एट बी प्लस थ्री, एट ए और बी का रिलेशन आ गया। ये कंटिन्यूटी वाला रिलेशन है। अब डिफरेंशियबिलिटी वाला रिलेशन कैसे बनेगा? इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फोर बी एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है, क्लियर है? तो ये अपने पास ए और बी में दो रिलेशन बन गए। जैसे ए और बी में दो रिलेशन आए, अपनी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई आ जाएगी कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां पे वो डिफरेंशियल बोल दे। एक ही बात है, उसने टू पे बोल दिया या हमेशा बोल दिया, क्योंकि ये दोनों पॉलिनॉमियल थे, ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशियबल। प्रॉब्लम सिर्फ आती तो दो पे आती, और उसने दो पे भी सिक्योर कर दिया। क्या क्या क्या, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, फोर बी एक्स आएगा ना। तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, टू पे, टू पे टू लिख दिया ना एक्स का वैल्यू, ठीक है? समझ में आ गया ये टाइप का क्वेश्चन? और बाकी सब इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सारे के सारे। जो सवाल है एक बार आप अटेम्प्ट कर लेंगे, जितने क्वेश्चन है 34 तक, क्वेश्चन 1 टू 34, और साथ में तीन के कल 10 मिनट सिर्फ इस पे लगाना है हमने, जल्दी से डिस्कस करके जो मेथड डिफरेंशिएशन, जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन, आईटीएफ वाली डिफरेंशिएशन, तो जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे हमने कर लेने, ठीक है? क्लियर है?